ऐसे दो लोगों का मिलन है जिससे पूरी दुनिया डरती है. यस, डरती है. एक वो जो पूरी दुनिया को परेशान करके उनकी खबर निकलवाती है, और एक वो जो खबर निकलवाने के बाद पूरी दुनिया को परेशान करती है. हाँ, तो सबसे पहले जोरदार तालियां हमारे देश की मीडिया के लिए. चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना मीडिया? अपने लिए तालियां बजा ली आपने, खबर निकलवा ली हमारी. हाँ, और अब जोरदार तालियां हमारे नए सीजन के लिए, कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा. थैंक यू वेरी मच. और मैं हूं मोना सिंह, सीजन टू की नई ताजा होस्ट. वैसे जब भी मैं शो शुरू करती हूँ, हमारे गेस्ट को बुलाती हूँ, उन्हें सिंहासन में बिठाती हूँ, और उसके बाद मेरा सबसे पहला सवाल एक ही होता है, क्या आपको डर लग रहा है? लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे पूछूं यार, पहले आपसे पूछूं या हमारे कंटेस्टेंट से पूछूं, किससे पूछूं, आप सबसे पूछूं? हाँ, क्या आपको डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है ना तो प्लीज मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा है. समझ में नहीं आ रहा क्या किसकी कब टांग खिंचाई कर लेंगे ये लोग, बाय गॉड. वैसे आपको हमारे शो का एक अच्छा हिस्सा किस्सा बताती हूँ. हमारे सीजन में, पिछले सीजन में, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं और हमने सबके मुंह से निकलवाया है बचाओ, है ना? निकलवाया है यार हमने, खूब रोस्टिंग की. 52 एपिसोड्स में 160 सेलिब्रिटीज आए हैं, 160 सेलिब्रिटीज, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, अक्षय कुमार, दीपिका, सलमान खान, और वो भी एक बार नहीं, ये लोग सब दो दो बार आए हैं. और मैं आपको गारंटी देती हूं कि ये लोग सीजन टू में तीसरी बार फिर से आएंगे. पता है क्यों? क्योंकि पिछले सीजन में मैं उन्हें मिल नहीं पाई थी ना, तो इस सीजन में सेल्फी तो बनती है, है ना? खैर, एक और बात बता देती हूँ. यहाँ पे आने से पहले मैंने बैक स्टेज सारे कंटेस्टेंट्स को देखा, सब बातें बूते कर रहे थे, थोड़ी बहुत रिहर्सल्स भी कर रहे थे, और उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है. वो यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप सबकी टांग खिंचाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. तो आप सबको बता दूं, डोंट वरी, इस शो की जो ये होस्ट है, नए सीजन में हमारे गेस्ट्स का कवच मैं बनूंगी, मैं करूंगी उनकी रक्षा. ओह माय गॉड, आई जस्ट रियलाइज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दो शोज की प्रमोशन कर दी. रियली नाउ दैट्स स्मार्ट. एनीवेज, मैंने बहुत बोल लिया, अब मैं मिलाती हूं आपको हमारे शो के पूर्वजों से. यस, पूर्वजों से जो अभी तक हैं, सुदेश, कृष्णा एंड भारती. लेट्स हियर इट टू देम गाइस. काम नहीं चले. हेलो, माइक बंद किया क्या मेरा? ये अभी से साजिश करना शुरू कर दी आपने. हेलो, हाँ अभी अभी आई है. ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी ज्यादा तालियां होनी चाहिए हमारे लिए, इतने सालों से एंटरटेन करते आ रहे हैं आप सभी लोगों को. अरे क्या बात, नहीं क्यों, क्या हाँ नहीं, आप कह रहे इतने देर से हम एंटरटेनमेंट, तो आज क्यों नहीं की? आज डांस करता क्यों नहीं? हमेशा तो डांस करता था, आप सबको पता है ना, मीडिया डांस करता था, और तो कुछ आता भी नहीं बेचारे तो सर. मैं तो आज वो डांस भी नहीं किया, क्यों नहीं किया सर? वो चक्कर क्या है ना कि वो मुझे पता होता है ना, एपिसोड का 10 लाख रुपया मिलना है, तो डांस खुद ब खुद निकल जाता है. यहाँ पर अलग बात है. खैर देखो, कृष्णा भारती जहाँ पर नाम आ जाए, कितनी सारी मीडिया आई है, बहुत अच्छा. सुदेश जी आपके लिए भी आए, वहाँ महुआ चैनल वाले ना साइड में, वो आपका इंटरव्यू लेंगे बाद में. खैर भारती, ये हो क्या रहा है, मतलब इतनी सारी मीडिया, ये नया हमारा कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा नया सीजन स्टार्ट होने वाला है. अच्छा, ताजा ताजा, ओहो, लेकिन ताजा में वो लोग नहीं होंगे, मतलब अपने करण, अनीता, मुबीन और ये लोग सब कहाँ पर है, वो जो यहाँ बैठे रहते थे ये लोग? पता नहीं, बाहर कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई थी. मैं हो ही नहीं सकता सुदेश जी, कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आ ही नहीं सकती. ये बात तो सही है, लेकिन फिर मतलब इस सीजन में होगा कौन भारतीय हमारे साथ? नहीं, तू तो है, तू तो पक्का भाभी है, आईजीटी भी करती है, बहुत कुछ करती है तू. कलर वालों की भाभी है. नहीं पता सुदेश जी, आपको कुछ पता है? मेरे को कुछ नहीं पता. आपको अपनी बीवी का पता नहीं होता, इनका क्या पता? खैर भारतीय का ऑडियो
अब आई मैं बोल आई ये कोई साजिश चल रही है पहले से। हाँ ये सुदेश जी ने पैसे दिए कि हमारी आवाजें बंद करा दो ना सुदेश जी ऐसा नहीं होगा। आपकी आवाज बंद भी हो जाए आपको देख के लोग हंसते हैं, भारती हमारी इंडिया की ऐसी लड़की है, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। लेकिन दुख इस बात का है मैं दिखता भी बोलता फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरे को तो ये भी नहीं बताया कि आज यहाँ पे प्रेस आई है शूटिंग। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं मुझे पता नहीं कि एक्टर्स कौन है, मतलब जो नए नए लोग आने वाले हैं वो कौन है। अरे कृष्णा हर बात मेरे पे क्यों बोलते हो, मैं क्या कलर्स की मेन भाभी हूँ जो मुझे बताएंगे सब। नहीं आप तो हैं भाभी क्योंकि आईजीटी वाईजी बहुत कुछ करती हैं आप कलर्स के साथ में। ये कौन भाभी आई? अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे कैसी आप? आइए आइए। अरे क्या बात है, दूर रहना, डॉक्टर ने कहा हरी चीजों से खाना, तुम दूर रहिए। अरे वाह क्या बात है, रणबीर कपूर भी आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस टोपी पहन के। वाह वाह कृष्णा, लेकिन क्या होने क्या वाला है? मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। कोई आप लोगों को पता है मीडिया वाले सर मैम क्या कौन कौन है हमारे शो में, आप लोगों को पता है? यार उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, पता नहीं वो सोच रहे हैं कि नाश्ते में क्या मिलेगा क्या नहीं, उनके बीच में इधर दिमाग लगा रहे हो उनका। लेकिन होने क्या वाला है कृष्णा, कॉमेडी नाइट बचाओ ताजा में। आप कुछ बताइए, आपको पता है? किरण बेदी जी आप बताइए, कुछ पता है आपको? तो सब पता होता है हिंदुस्तान के बारे में। कौन होने वाला है सर मैम, आपको कुछ पता है कुछ? नहीं नहीं ये सब बिजी है। हाँ? वो लेट इसलिए आई क्योंकि उन्होंने देखा शरबत में क्या क्या है। क्या होने क्या वाला है? पता नहीं कौन है भाई हमारे शो में, नए लोग कौन है, भेजो यार। अब देखना वो आएंगे सारे कैमरे उधर मुड़ जाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला, घर पे फोन करूं मैं बिल्लो को? गाना बज रहा है, एक मिनट सुनो, ये कौन है? वाह चलो चलो है कौन है? कौन है आप लोग, कौन है? अरे ये तो सब ठीक है लेकिन ये स्पॉट दादा कोट पहन के आ गए। हाँ। आपको कह रहे मुझे लगा मुझे पप्पी मिलेगी यार, मैं यहाँ पे आ गया। अरे आप चाहते पप्पी लेके मैं स्वर्गवास हो जाए मेरा आपको पप्पी लेके। खैर एक मिनट, आप लोग हैं कौन बाबा? अरे हम लोग वो ताजा लोग हैं ना जो ताजा दही जमाने आए। करेक्ट करेक्ट। आप लोग कितने साल से हो कृष्णा सुदेश? इतने साल में तो लोग जूते की जोड़ी भी फेंक देते, आप लोग तो फिर भी इंसान तो नहीं बोल सकते। कृष्णा सुदेश हो जूते की जोड़ी, तू क्या कर रही है? पता है मुझे चप्पल, बूट चप्पल मुझे पता है बेइज्जती की है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या बेइज्जती कर रहे हैं यार आप लोग? एक मिनट कृष्णा, हाँ कितनी क्यूट है यार ये प्यारी। हाँ, यार, सी बहुत प्यारी सी है। बोलती है मैं 16 साल की हूँ। वो तो मैंने भी सुन लिया। हाँ। आंटी किसको बोला? हाँ तो क्यों नहीं बोलेगी आंटी, 16 साल की उम्र में कितना अच्छा काम कर रही है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए, इतनी छोटी उम्र में इतना बढ़िया काम करना। और एक ही हमारी भारती देख लो, जब 16 साल की थी ना तो अमृतसर में गाँव में भैंस की पूंछ चाट रही होती थी और फिर बोलती थी मम्मी देखो मेरे मुंह में तीन बाल फंसे हैं। तीन बाल नहीं पांच बाल फंसते थे। जी 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 यार, ये टीवी पे कमेंट सेक्शन क्यों नहीं है यार, मुझे गालियां लिखनी है वहाँ पे। ये कौन है फूला हुआ अमोल पालेकर? अरे नहीं नहीं वो सब छोड़ो, पता है जब मैं सुदेश और कृष्णा का एक्ट देखती हूँ ना टीवी पे मुझे बहुत हंसी आती है। थैंक यू थैंक यू, ये होता है प्यार। लेकिन बिल्कुल प्रोड्यूसर्स पे बहुत हंसी आती है, मतलब चार दिन की जिंदगी मिली है सुदेश जी को, देखो इनको देख के कौन हंस सकता है यार। कमॉन यार निया ऐसे बात मत करो, क्या होती है बात, क्या होता है ना सुदेश जी, चंदन की लड़कियां जो है ना, सॉरी लकड़िया, वो खुद चलकर आई थी और कहा था कि यार भाई प्लीज अब तो जल जा बेटे, तूने बहुत दुनिया देख ली। अमृता हाँ क्या बेटा ऐसे नहीं बोलता, सॉरी मैं लड़कियों को अब इधर आई, लड़कियों छोड़ इधर आई, आप जल के बह के मरेंगे। बहन जी देख दे कुछ और ने, समझ दे कुछ और। अरे कौन रिहर्सल कर रहा पीछे, बंद करो पीछे रिहर्सल, ये पीछे कर रहा है सुमेर, सुमेर उनका ऑन नहीं, पीछे वालों का ऑन है। कौन था ये? ऐसे लेट क्यों आई गई? चल वापस से। अच्छा आप लोगों की एंट्री से ले लेते हैं वापस। हाँ रीटेक। तुझे क्या पता? तुझे पता होगा। अच्छा मैं कलर्स की मेन भाभी हूँ क्या? वही तो। ये देखो एक
गाइस हाय बेल्स व्हाट्स हैपनिंग आप लोग कौन है अरे हम लोग ही तो है वो ताजा एनर्जी जो ताजा दही जमाने आए यहाँ पे आप लोगों को कितने साल हो गए यार कृष्णा सुदेश इतने साल में लोग जूते की जोड़ी भी उठा के फेंक देते ये तो फिर भी कृष्णा और सुदेश है मतलब ओ जूते की जोड़ी का वाकई यार मुझे आपकी शक्ल बूट और आपकी चप्पल जैसी लगने लगी पता है मुझे उसने बेइज्जती की है लेकिन ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है जूते की ये क्या बदतमीजी लगा रखी है आप लोगों ने कृष्णा ये वाली कितनी प्यारी क्यूट सी है ना छोटी सफेद लड़की कौन है माय गॉड फिर ऑडियो नहीं है इसका कमाल बहुत बड़ी साजिश बहुत बड़ी सुना जाएंगे जब 18 साल की होगी तब माइक ऑन मेरी पार्टनर इसलिए साजिश लगता है आपको दो साल और है अभी माइक ऑन होने के लिए सुना फिर बंद हो गया आई थिंक आपका वो 18 से होता है चलो कल करते अरे पम्मी आंटी को गैस हो गई है बंद करवाइए अब नहीं दिल कर रहा अरे भाई मेरा इनका किनका हेलो हेलो चलिए चलिए शुरू करते एक बार फिर चेक कर लो तुम्हारा आओ शुरू करते हैं चलिए अदिति गो बिहाइंड अमृता ओए उन्नो नन चलिए ठीक है अरे अरे तो नए लोग कौन है यार हाँ मुझे जैसे सब पता है ना मैं कलर्स की मेन भाभी हूँ अरे आप तो सबसे मेन भाभी हैं IGT 5GT बचाओ ये वो सब कलर्स के साथ लोग ऐसा लगता है डड्डू सीपी फिर से सत्ते पे सत्ता बना रहे हैं कौन है अरे हम लोग वो नए लोग है ना वी आर द न्यू एनर्जी हम ही वो नया ताजा दही जमाने हैं कितने साल हो गए यार इनकी जोड़ी को मतलब इतने साल में लोग जूते चप्पल की जोड़ियां भी फेंक देते ये तो फिर भी कृष्णा और सुदेश है जूते चप्पल इसने बोला सच में मुझे लगने लग गई बूट और चप्पल हाँ पता है बेइज्जती की है मुझे वो एहसास दिलाने की जरूरत नहीं जूते चप्पल क्या क्या बदतमीजी लगा रखी है आप लोगों ने अरे शांत हो जाओ कृष्णा शांत हो जाओ ये देखो आजा मम्मा के पास अरे कौन प्यारी है यार ये अरे वो आता ना कार्टून ऐसे वो जो कैट आती मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो ये वैसे नहीं लगती बड़ी क्यूट है सफेद लड़की कौन है थैंक यू आंटी मैं 16 साल की हूँ आंटी क्या होता है तेरे को आंटी लग रहा है मेरे को नहीं इसको बोल रही है मैं 16 साल की हूँ भारती वो मैंने भी सुन लिया आंटी किसको बोला हाँ तेरे 12 से पकड़ के तेरी गर्दन बंधूंगी अरे क्यों नहीं बोलेगी बोलेगी वो आंटी 16 साल की उम्र में कितना अच्छा काम करी इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज और ये देखिए 16 साल की उम्र में हैं गांव में भैंस की पूंछ चाटती रहती बार बार आगे आगे हाथ आगे आगे हाथ मेरी शक्ल देख ले बार बार यो 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 क्या हम यहां नहीं आए भैंस की पूंछ चाटती रहती थी नीचे आप इधर आओ आप बोलो क्या 16 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं भैंस की पूंछ चाटती रहती थी ये पता है आपको फिर बार बार ऐसे करता इधर खड़ा हो अब उधर बात कर 16 साल की उम्र में कितना अच्छा काम कर रही है बोलेगी वो आंटी क्यों नहीं बोलेगी और मैं क्या करती थी बताया ना भैंस की पूंछ चाटती रहती थी मैंने कब कश्मीरा की पूंछ चाटी यार यहाँ पे कमेंट सेक्शन क्यों नहीं है टीवी पे यार मुझे वहाँ पे गालियाँ लिखनी है आपको गालियाँ वो नहीं है आप फूला अमोल पालेकर क्या गालियाँ लिखनी तू टीवी पे शक्ल दिखा रहे